एक फरवरी का दिन देश में बजट पेश हुआ और इस बजट को लेकर बहुत सारी बातें लगातार की जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं। सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए जो बातें कहीं उसके भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं तमाम सेक्टर्स के लिए भी, आम बजट 2020 पेश किया गया और इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए कितना फायदेमंद यह रहा बजट, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अलग अलग, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट किसानों से जुड़ी हुई देख लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2020 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। बजट में किसानों की आय साल 2022 तक दोगुना करने का टारगेट रखा गया है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कृषि योजना को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। खेती, मछली, पशुपालन पर जोर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग, प्रोसेसिंग पर खास ध्यान देना होगा। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। साथ ही कहा कि किसानों के लिए 3 नए कानूनों का पालन किया जाएगा। पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। I move to talking about agriculture, irrigation and rural development. Our government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through Kusum and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. वित्त मंत्री ने दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल शुरू करने का ऐलान किया। इससे खाद्य वस्तुओं को खराब होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए किसान उड़ान योजना की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने साल 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दुग्ध उत्पादन को 108 मिलियन टन किया जाएगा। साथ ही मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सागर मित्र योजना चलाने की शुरुआत की जाएगी। पानी की कमी से जूझ रहे 16 जिलों के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2022 तक 22 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 15 लाख तक का लोन मिल सकेगा। मिशन इंद्रधनुष योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि दीनदयाल योजना के तहत 58 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए गए हैं। इंतजार रहता है लोगों को बजट का कि बजट आएगा, न जाने क्या कुछ निकलेगा। बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, एक अच्छा खासा भाषण दिया था। उस पर भी सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा कितना लंबा भाषण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नीरस था, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि घोर निराशाजनक। फिर अगर सरकार की बात की जाए तो फिर प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ की कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया, युवाओं की ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जाएगा। बहुत सारी चीजें इस बजट को लेकर कही जा रही हैं। बजट कैसा रहा, बजट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, बजट से कितना फायदा होगा और बजट में किस तरह से गंभीरता दिखाई गई, इस पर हम बात करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ अगर बात की जाए तो केवल ढींगरा साहब हैं कांग्रेस से, तो उनसे ही बात करेंगे। उनको कैसा लगेगा बजट,
जाहिर सी बात है कि मजा नहीं आया होगा। इसके अलावा हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, बहुत बहुत दुग्गल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल पुरी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवनीत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम सीए हैं और इसके अलावा आर्थिक एक्सपर्ट के रूप में भी हम बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में। लेकिन सबसे पहले किसानों से जुड़ी रिपोर्ट दिखाई थी ढींगरा साहब ने, बजट कैसा लगा आपको और किसानों के लिए कैसा रहा ये बजट? देखिए, सबसे पहले बजट ऐसा लगता है कि ये जो बजट है ये किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने बनाया। अच्छा, क्योंकि इस तरह का लगता है कि वो जो जिस तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर कलेक्शन करता है ना लोगों से, वो उस तरह का लग रहा है बजट। अच्छा। और इसमें लोगों ने वैसे तो मोदी जी को 303 सीटें देके चुना था कि लोगों का फायदा होगा बजट में भी, और सरकार बना के भी लोगों को फायदा देने के लिए कोई ना कोई काम करेगी सरकार। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को अपने काम के लिए किस तरह से पैसा है लोगों से इकट्ठा करना है। अच्छा। वो उस तरीके का बजट लगता है। और दूसरी इकट्ठा करना होता है और पैसा जनता की सेवा में लगाना भी होता है, तो उसमें बुराई क्या है? मैं बता रहा हूँ ना जी, उस बुराई की कोई बात नहीं है। हाँ। ये अच्छाई की अच्छाई बात बता रहा हूँ। अच्छा, लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दी थी। हाँ। कि उनका कुछ बिजनेसमैन का कोई फायदा हो जाएगा, कोई नौकरी पेशा लोग हैं उनका फायदा हो जाएगा, कोई किसान का फायदा हो जाएगा। ढींगरा जी, मैं कभी कहता हूँ कि बिजनेसमैन के फायदे के लिए बजट बनाया गया, मतलब किसी का फायदा नहीं हो रहा। नहीं नासिर जी, आप रोको तो ना, पूरी बात तो होने दो ना आप। मैं बता रहा हूँ ना, सारी बात क्लैरिटी में दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वहां पे आपने जो बजट के पेश किए, अब इन पहले तो बिजनेसमैन के लिए देख लेते हैं कि जो आपने ये रखा कि हमने 2.5 लाख की लिमिट जो थी वो 2.5 से 5 तक जीरो कर दिया, वो कर दिया वो कर दिया, उसमें तो आपने एग्जम्पशन सारी, डिडक्शन सारी खत्म कर दी है। HRA हाउस रेंट की जो है अलाउंस जो है वो खत्म, सेक्शन 80 डिडक्शन खत्म, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में खत्म, LIC डिडक्शन खत्म, जो हाउसिंग मेकिंग इंटरेस्ट वो खत्म। अगर आपने वो खत्म ही करने थे सारे डिडक्शन, और आपने इधर से कह दिया हमने ये रेट जो है हमने थोड़ा थोड़ा 5% बढ़ा, इसका फायदा क्या मिलेगा लोगों को, ये तो समझाएं कम से कम। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा लोगों को, उल्टा नुकसान होगा लोगों को। और अगर वो पिछले वाली स्कीम से अगले वाली स्कीम पे स्विच ओवर कर जाता है तो वो बैक भी नहीं जा पाएगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा फिर आपके पास। फिर वो ये समझाना पड़ेगा कि अगर वो पिछली स्कीम पे बैक भी नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आपने एक तरह से बंदर के हाथ में एक उस्तरा दिया, और उसने क्या किया अब वो देख लो आप। ये हाल तो ऐसा लग रहा है, अपना काम शुरू कर दिया पॉलिटिकली अपने एक सिस्टम अभी जो बना लिस्ट हो गया। अब जो तमाम चार्टर अकाउंट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। दुग्गल साहब क्या कहेंगे बजट के बारे में, बहुत संक्षिप्त में, पहले तो किस तरह से अच्छा रहा, किस तरह से आपको कमी नजर आई? बजट बहुत बैलेंस्ड बजट बनाया है, इसमें बेसिकली देखा जाए तो कंप्लीट हर सेक्टर का ध्यान रखा है उन्होंने, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर सेक्टर का ध्यान रखा गया। कहीं ना कहीं हर चीज में कोई ना कोई बेनिफिट्स दिए गए हैं, पर 100% कभी भी कोई बजट जो है वो हर बंदे की आशाओं को वो पूरा नहीं कर सकता, उसके ऊपर खरा नहीं उतर सकता। ये तो कोई ना कोई कमी तो हमेशा रहती रहती है, तो कुछ कमियां भी हैं जो लगती हैं, बट ओवरऑल इट इज अ गुड बजट। अच्छा सर, कमी बताएंगे आप पुष्पेंद्र पंकज जी, कमी आपको कुछ नजर आई? उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं ज्यादातर अच्छाइयां हैं, तो वो कुछ कमियां आपको नजर आई या आपको ज्यादा कमी नहीं है, कम अच्छाइयां नजर आई? देखिए, बजट कैसा रहा, किस तरह से लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया? देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बजट संतुलित है, लीक से हटकर बजट बनाया गया है, कुछ इनोवेटिव चीजें की गई है। अच्छा। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, वैसे तो ये काफी टाइम से जुमला सा चल रहा है कि 2020 में 2022 में एग्रीकल्चर को किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा, परंतु इस बार बजट के अंदर 3-4 नई चीजें, जैसे कि इन्होंने अल्टरनेट मीन्स ऑफ इनकम जो जैसे कि बैरन लैंड है उसके ऊपर इन्होंने सोलर एनर्जी का कहा है, कुसुम योजना के अंदर 20 लाख फार्मर्स को इन्होंने कहा है कि भी हम सोलर पंप देंगे, ग्रामीण सड़क योजना बीच में डाली है इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि किसान रेल चलेगी, एक किसान रेल, वेयर हाउसिंग और किसानों की जो अपनी फसल है उसको संरक्षण के लिए एक नाबार्ड के साथ मिलकर वेयर हाउसेस के लिए जो किसान फसल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और इसी तरह से इन्होंने ये सागर मित्रा जो एक कोस्टल एरियाज में स्कीम है
तो ये इस तरह की एनबीएफसी को इन्होंने कहा है कि भी जो वेयर हाउसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर फंडिंग करेंगे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई भी है, इनोवेटिव भी है, अगर इसको धरातल पे उतार पाए तो किसानों को बहुत फायदा रहने वाला इससे। नवनीत जी, सबसे पहले तो यही कि आपको बजट कैसा लगा, क्या उम्मीदें थी, कितना खरा उतर पाया उम्मीदों पर बजट, उम्मीदों से बेहतर हुआ या उम्मीदों से बहुत कमतर रहा? नासिर जी, सबसे पहले बजट जो होता है वो होता है देश के लिए। बजट किसी भी एक सेगमेंट को देख के नहीं बनाया जाता, बजट होलिस्टिक व्यू और हमेशा कंट्री को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देने के लिए बनाया जाता है। बजट जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ईयरली बजट में एक माइलस्टोन होता है उसको अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म टूवर्ड्स अटेनिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। ढिंगरा जी ने कहा, मैं उनकी बात से बोले स्पीच लंबी थी, तो मैं उसमें सिर्फ मेरी सबमिशन यही है, जब भी आप जी हाँ ठीक है बोलिए, जब भी आप एड्रेस करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें फार्मर्स भी है, अंडर प्रिविलेज भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, और हमारे यहां बहुत बड़ा सेगमेंट जो है सर्विस सेक्टर को भी मीट आउट कर रहा है, और उसके अलावा जो इंडिया की इकोनॉमी है मेनली डोमिनेटेड बाय द फार्मिंग सेक्टर, तो फार्मिंग सेक्टर के लिए जितने सारे हमारे वित्त मंत्री जी ने हर एक सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ पूरे कोशिश करी गई है हर एक सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए, उनके इश्यूज को छूने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को करने के लिए, किसानों के लिए कई सारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, और आप ये देखिए 20 लाख फार्मर उनको स्टैंड अलोन सोलर पंप देंगे, ये वो पंप वहां ही लगाए जाएंगे जहां पे वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से मैं कहूंगा बैलेंस था या बहुत बेहतर था? बैलेंस एंड बेहतरी की ओर एक स्टेप है। ठीक है, विशाल पुरी साहब आप बात कर रहे थे फेसलेस जो फेसलेस उस सिस्टम की, उसमें आपको क्या बेहतर लगा और किस तरह से इस चीज को देखते हैं, उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। बस मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे ढींगरा जी कह रहे थे इनकम टैक्स ऑफिसर ने जैसे ये बजट बनाया, बट मैं उनसे ये बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता, बल्कि ये गवर्नमेंट तो उस तरफ जा रही है ताकि फेसलेस हो आपका डिपार्टमेंट के साथ, आपका कोई मिलना जुलना ना हो, कोई कल टैक्स टेररिज्म ना हो, कल की नौकरशाही ना चल सके, उसको देखते हुए उन्होंने पहले का जो असेसमेंट होती थी सिर्फ वो ही फेसलेस होती थी, बट अब उन्होंने फर्दर स्टेप एक लेते हुए अपील्स भी फेसलेस कर दी है, वही नहीं किया, उसके अलावा एक वो लाए हैं विवाद से संवाद वाली स्कीम, ये बहुत ही बेहतर स्कीम है जिससे आगे लिटिगेशन बहुत कम हो जाएगी। इसमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, जितना आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है आप सिर्फ वो डिपॉजिट करवा दीजिए, उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जो पेनल्टी बनती है, वो आपको डिपॉजिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस उसके अलावा जो आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग चलेंगी वो भी ड्रॉप हो जाएंगी। सो बेसिकली जो आपका टैक्स पे करने वाला बनेगा इन डिस्प्यूट जाके उसका ऑलमोस्ट 25% तक ही रह जाएगा टैक्स, और डिस्प्यूट्स वगैरह जो सारे होंगे वो सब नलीफाई हो जाएंगे, तो इट इज अ वेलकम स्टेप बाय द फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्होंने किया है। ठीक है, दुग्गल जी एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूँ, टैक्स स्लैब को लेकर सबसे ज्यादा उस पर भी लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान होता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना इससे फायदा होने वाला है कि एग्जम्पशन की बात की जा रही है कि उसको घटा दिया है और जो स्लैब था फिर उसमें कमी दिखाई गई? देखो ऐसा है कि दो स्लैब का सिस्टम जो है एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें क्लियर कीजिएगा कि इससे लोगों को फायदा होगा नहीं होगा या वैसी चीजें रहेंगी, ये भी क्लियर कीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उसमें जो जैसे ढिंगरा जी कह रहे थे कि डिडक्शंस जो हैं वो कुछ कम की हैं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। इसमें क्या किया है कि इन्होंने स्लैब सिस्टम बना दिया है कि 2.5 लाख तक निल 2.5 से 5 तक 5% आगे 2.5-2.5 लाख के ऊपर जो है 5-5% इंक्रीज करके तो 15 लाख से ऊपर वो 30% के स्लैब पे आते हैं। तो अब ये जो अगर हम मतलब ब्रॉडली देखें कि अगर ये ब्रॉडली मेरे को कहना हो कि भी ये स्लैब जो है बढ़िया है कि नहीं है किसी के लिए भी, इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक, अब जो जिसको ये स्लैब सूट करेगी
उसको मतलब जिसको अब दो स्लैब होगी, एक पुरानी स्लैब चल रही है, एक ये स्लैब चल रही है, अगर इसको अगर इसमें कोई बेनिफिट मेरे को इस वाली नई स्लैब में बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इसमें जाऊंगा, अगर मेरे को पुराने वाले सिस्टम में बेनिफिट है तो मैं उसमें जाऊंगा, तो ऑप्शन दे दिए तो उस ऑप्शन को इट विल डिपेंड ऑन द असेसरी जी, वो किस ऑप्शन को मतलब कोई क्लियरली फायदा नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हो रहा, ये डिपेंड करेगा हर पर्सन की पर्सनल इनकम के साथ। लगता है इन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक तो जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, एक एक नया सिस्टम लेके आए हैं जिसके कारण वो सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई हटाई नहीं है, डिडक्शन है वहाँ पे है, अगर आप पुरानी स्कीम ले रहे हो, अगर आप नई स्कीम ले रहे हो तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं है, बट तो फिर लोग क्या लोग उसको अवेल करने ले, ले पाए, फिर अपनी तरफ से कौन ले पाएगा? एक बात बताऊं, उसको अवेल करने के लिए कंडीशन ये भी 5% कम आपकी कैश रिसीट्स होनी चाहिए। अच्छा, सो दिस इज अ स्टेप वन मोर स्टेप टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, जो इनका पुराना चलता आ रहा है गवर्नमेंट का, जिसके लिए चाहते हैं कैशलेस इकोनॉमी हो, दैट इज अ मेन पॉइंट। मेरे को लगता है 2-3 साल के बाद ये सारा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बड़ा दिस इज अ स्टेप। ढींगरा साहब, यस, कुछ क्या रहते हैं? मैं इस ये कह रहा था कि जो मेरी पहली बात थी, तीन तीन सीए बैठे हैं, उन्होंने ये बात क्लैरिटी करनी, चार सीए हैं, तो उनको ये क्लैरिटी करनी चाहिए थी कि पहली ऑप्शन में जो आदमी रहेगा वो दूसरी ऑप्शन ऑप्ट करेगा या उसको जबरदस्ती करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक सेकंड में आप उसके बाद जवाब दीजिए। दूसरी बात, अगर ये कह रहे थे कि पंप दे दिए, ये दे दिया, अरे पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एक ही काम कर देते ना तो काम खत्म हो जाता फार्मर्स के लिए। दूसरी बात, एक सेकंड मैं पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, सारी बात तो रखता हूँ, इसको क्या कर लें, चारों सीएम अपनी अपनी बात कर लेंगे ना, क्यों मैं इसलिए टेक दे रहा हूँ इसमें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम सरलीकरण कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा, लेकिन उसमें यह है कि सीए को भी जॉब लेस कर देंगे, क्योंकि वो सरलीकरण करेंगे तो सीए का काम भी खत्म हो जाएगा, सारी डिटेक्शन है खत्म, सीए भी अपने घर जाओ। ये देखिए, और मैं बताना चाह रहा हूँ, सारे सेक्टर बताना चाह रहा हूँ, पहले समझिए आप, दो तीन बता रहा हूँ बहुत बड़ा, सुनिए, कृषि सेक्टर है बहुत बड़ा, कृषि सेक्टर में 2,83,000 करोड़ की बात रखी है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट कर लागू कर दे तो वो किसान तो खुशहाल हो जाएगा, वो तो करना मैं, नहीं है। मैं ब्रेक के बाद आप देने उनको सिर्फ एक पंप देने, लेकिन टैक्स स्लैब पर कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात ठीक है, मैं उस पर अभी मैं इसमें एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया जी नवनीत जी, जो टैक्स स्लैब की बात की उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, मैं आ जाऊंगा आपके पास, बहुत टाइम लेके बाकी छोड़ दिया सर, किसी अभी बहुत सारी चीजें ना, अभी पूरा एक एक थोड़ा थोड़ा सब पर कर लिया चर्चा, सब पर करेंगे अभी, इस पर टैक्स स्लैब पर तो क्लियर कर लेना, किसी पर तो हो चुका था जी। नासिर जी, इसके अंदर एसएससी को ऑप्शन दी गई है, वो अपना टैक्स सिंप्लीफाइड स्कीम में कैलकुलेट करे, देखे मेरा टैक्स कम आ रहा है, या वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम जो ऑलरेडी इनकम टैक्स की ऑलरेडी वेरियस प्रोविजंस है जिसके अंदर वो डिडक्शन क्लेम करता है, अगर वो देखता सर, मैं बात कर रहा था कि उलझा दिया हमारे संग, और भी कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि उलझा दिया इस चीज में लोगों को, फिर आपको लगता है उलझा दिया गया? नहीं, इसमें उलझन की कोई बात नहीं है, इसका ये एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स जो सिस्टम है उसकी तरफ है, जैसे अभी हमारे मित्र, ठीक है सर, एक अभी फिलहाल एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, हम लगातार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें किस तरह की चीजें रही हैं और किस तरह के प्रावधान किए गए इस बजट में, वो रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बजट 2020-21 में किसानों और ग्रामीण आबादी के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बार मोदी सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 70,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसमें से पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत का विस्तार किया जाएगा, 20,000 नए अस्पताल खुलेंगे, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा भी दिया गया, 5 तरह के नए टीकाकरण शुरू किए जाएंगे, जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा गया, पीएम आरोग्य योजना से 112 जिले नए जुड़ेंगे, मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस योजना से 20,000 अस्पतालों को जोड़ा गया है
और निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं है वहां पीपीपी के जरिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। ऐसे 112 जिलों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेजेंटली अंडर पीएम जन आरोग्य योजना देयर आर मोर देन 20,000 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हु हेल्प इन आयुष्मान भारत। वी नीड मोर such hospitals to be empaneled in tier 2 and tier 3 cities for poor people in these areas to benefit from them. It is therefore proposed to set up a viability gap funding window for setting up hospitals in PPP mode. In the first phase, those aspirational districts will be covered. We know there are 112 of them. So those aspirational districts from 112 that we have, where presently there are no Ayushman empaneled hospitals, will be given priority. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कराने का भी संकल्प लिया और कहा कि टीबी के खिलाफ देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा भी दिया। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए, खास पैनल मेरे साथ है। चार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी बातों को लेकर जो शंकाएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा केवल ढिंगरा साहब भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे सवाल होंगे, आपकी तमाम शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा सा सभी से प्रतिक्रिया लेते हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर हमने पैकेज दिखाया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दुग्गल साहब, हेल्थ सेक्टर को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? बातें तो बहुत सारी की गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, फिर एक सवाल ये खड़ा होता है सर कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई पैसा कहाँ से आओगे, एक तो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसके बाद फिर पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? इस तरह से आप हर जो मेडिकल जिले के अंदर अस्पताल है उसमें यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसके अलावा फिर पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। यानी एक चीज इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हर जगह शामिल किया जा रहा है, इससे इसकी जरूरत क्या है और क्यों है और इससे क्या नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे कंट्री में हैं उसमें एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जो बाकी कॉलेजेस हैं वो चल तो बहुत बढ़िया रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो डॉक्टर भी बढ़िया बन रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो वो प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल करके आते हैं उनको आगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, और उन जो डॉक्टर जो बन के आए, जो फ्रेश डॉक्टर्स बन के आए, उनका जो यूज जो है डायरेक्ट यूज भी तो करना है। हो क्या रहा है कि यहाँ से बनते हैं बाहर फॉरेन चले गए, कोई ब्रेन ड्रेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, मेडिकल में स्पेसिफिकली मेडिकल की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या है, इन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको टाई अप किया जाएगा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज हैं। जब वो उसके साथ टाई अप होगा तो जो प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस खुले हुए हैं, मैं एजुकेशन तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा। अब जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे को उस कॉलेज हॉस्पिटल में जाके मिलेगा तो आप सोचिए डॉक्टर की क्वालिटी लेवल कहाँ जाएगा। ठीक है, नवनीत जी आप क्या कहेंगे इस पर? प्राइवेट सेक्टर की बात शिक्षा में लाने की बात कर रही है सरकार और वो हर जगह ला रही है, रेलवे की बात करें, लेकिन हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जिला अस्पतालों में फिर बात वो आती है कि किस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से हम ले जाओ पहनाया जाएगा। नासिर पैसे जी पैसा एक सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हाँ। नासिर जी देखिए, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, एक तरफ हम कहते हैं हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं सबको मुहैया कराई जाए, दूसरी तरफ हम साथ में ये भी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल डे बाय डे बदहाल होता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं जो कि ये सेवाएं दे सके, हमारी समाज को दे सके, हमारे लोअर तबके को दे चुके। या तो इसका दूसरा तरीका है, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ज्यादा इनकरेज करूं। मैं इस इनिशिएटिव से बिल्कुल सहमत हूं, जो एग्जिस्टिंग हमारे अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, उनको अपग्रेड करके, जो अभी पूरी स्कीम आई नहीं है, इसका 69,000 का एलोकेशन है 2021 के लिए, अगले साल के बजट में 69,000 करोड़ का एलोकेशन है, जिसमें हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होगा, वहां का डॉक्टर वहां से MBBS की डिग्री लेगा,
उसको अगर उसकी एमबीबीएस डिग्री को भी लिंक कर दिया जाए कि उसके लिए 3 से 5 साल की सेवाएं उस डिस्ट्रिक्ट में देना अनिवार्य होगा जिससे पहले वो बाद में कहीं मूव कर सके, इससे बढ़िया स्टेप क्या मिलेगा? इसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे नासिर जी, रिसोर्सेज, पैसा कहां से आएगा? पैसा तभी आएगा जब आप पब्लिक पार्टनरशिप को इन्वॉल्व करेंगे। हर चीज सरकार के बूते पे हम नहीं सो सकते, हर चीज सरकार दे। तो सर ये अब मैं आपसे इस पर मैं गुप्ता जी से बात करता हूँ, पंकज गुप्ता जी, ज्यादा जरूरत इस वक्त है इसलिए प्राइवेट सेक्टर को हर जगह लाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये कि जो बजट में जो अलग अलग सेक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना हम चर्चा तो राजनीतिक तो बहुत हो जाती है लेकिन पब्लिक ये भी जानना चाहती है किस तरह से प्रावधान किया जाता है कि इस सेक्टर को इतना पैसा देंगे, और जब अगर कोई सरकार घाटे में हो या कहीं अर्थव्यवस्था चरमराई हो या बहुत बेहतर हो तो किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है और किया जाता है? देखिए नासिर जी, हर चीज़ की एक बैलेंस शीट बनती है, इसी तरह जो बजट है ये भी एक बैलेंस शीट है, देश की बैलेंस शीट है। ठीक है, उसमें एक तरफ रिसीट है और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। रिसीट बेसिकली मेनली कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से मेनली रिसीट। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत आती है वो आती है कि जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेटाइज करती है, या फिर कुछ गवर्नमेंट लोन लेती है, ये मेनली गवर्नमेंट के सोर्स रहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। और एक्सपेंडिचर के ऊपर इसलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को एलोकेशन करना पड़ता है। जो ये रिसीट है उसी रिसीट में से गवर्नमेंट की एलोकेशन रहती है। अभी हम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात कर रहे थे, इस साल के लिए 69,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। वो जो डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम से जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसी में से वो चीज़ एलोकेशन की गई है, या फिर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ लोन भी उठाएगी या प्राइवेटाइज, जैसे अभी आज बात हुई है कि LIC है, IDBI है, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, या पीछे एयर इंडिया की उसके बाद बेचे जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रतिक्रिया आपसे MSME की बात। हाँ, जो MSME सेक्टर है ये हमारा जो बेसिकली होता है, जो हमारा बेसिक लेवल का जो अपना मैन्युफैक्चरर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है, और 29% ऑफ द GDP हमारी जो होती है इस सेक्टर से आती है। अच्छा, तो इसके लिए इन्होंने 2,83,000 करोड़ रुपया इन्होंने इस पर इसको एलोकेट किया है फॉर MSME सेक्टर के लिए, जैसे कृषि सेक्टर आता है, इरिगेशन वाला हो, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज वाले, वो सब चीजें होगी उसमें। और खास करके उसके कृषि के लिए वाटर स्ट्रैक्स जो मैनेजमेंट इन्होंने की है, जो डिफरेंट 100 डिस्ट्रिक्ट में आसपास हैं जिसके अंदर वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इन्होंने काम दिया है, उसके लिए पैसा लगाएंगे ये सब कुछ। और 35 लाख ऐसे फार्मर्स होंगे जो स्टैंड लोन अपने सोलर पावर पंप्स की यूज़ करेंगे, वो भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस बार जो एलोकेशन की है। तो कृषि हमारा मेन होता है, सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारे देश की प्रोडक्शन है, जो सब कुछ इसमें आती है। विशाल जी एक बात कहूँगा, हाँ जी, क्योंकि मैं आप थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी और उससे बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़ा हूँ, इसमें एक साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल MSME लोन। जो भी लोन MSME में कवर्ड होते हैं वो नेक्स्ट, तो इससे आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो अनऑर्गेनाइज में पड़ रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, उनको अब बैंक की रिकवरी सरफेसी एक्शन, इंसॉल्वेंसी एक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, या फाइनेंशियल स्ट्रेस को नहीं फेस करना पड़ेगा। इससे बैंकिंग सेक्टर पे भी प्रेशर नहीं होगा और इंडस्ट्रियल। मैं ढिंगरा जी आपके पास आऊंगा, अब हम उस पर थोड़ा सा जो ज्यादा पॉइंट, वैसे तो बहुत सारी चीजें चर्चा के लिए, LIC का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा सरकार बेचने जा रही है, पुरी साहब, मैं इस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद ढिंगरा जी से पूछता हूँ, और IDBI का अपना हिस्सा सरकार बेचने जा रही है, क्या जरूरत पेश आई, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इससे जो लोग LIC में जिनका है उससे उनको 25 करोड़ तकरीबन लोग हैं जो जुड़े हुए LIC में, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं ये पर इसकी क्या जरूरत थी? ये तो देखो, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ अपने इसके लिए प्रोसेस के लिए दिस इज गुड, कोई IPO के लिए जा रहे हैं, उसके जो आएगा उसका पैसा फिर देश के लिए लगना हो, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए काम आएगा, उसके लिए सब कुछ यूज होना है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा हो बात होगी। अच्छा, हाँ, कोई IPO आ रहा है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात। आपको क्या लगता है ढींगरा साहब? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय सिस्टम है ना देश का, वो स्थिति जो है वो चरमराई हुई है। आप लोगों ने कहा कि हम 500 स्मार्ट सिटी बनाएंगे पहले,
और अब आपने इस बजट में कहा कि हम 5 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो 500 दिखाओ पहले कहां बनी पिछले 5 साल के अंदर, जब वो 500 बनी नहीं तो अगली 5 कैसे बन जाएगी, वो भी पीपीपी मॉडल पे। जब आप लोगों ने जो बजट रखा था, सभी ने बजट अपना सुनाया, लेकिन वो बजट के बीच में 5 साल के बजट के ऊपर हम तो सारी चीज कर रहे हैं बात, लेकिन हुआ क्या, ये तो यही तो बात सोचने वाली है। आपने कहा था बुलेट ट्रेन आ जाएगी, क्या उसकी ट्रेन की एक पटरी की लाइन का कोई एक देखिए 4 सीए बोले सर, एलआईसी पे पूछ रहा था ना, एलआईसी पे शुरू करते ना। नहीं, अगर नासिर जी आपने मुझसे बुलाना नहीं फिर क्यों बुलाया मेरे को, एक बात, 4 सीए जो अपनी बात रोक नहीं रहा, आप मुझे एक मिनट पहले अपने पॉइंट सर, ऐसा है अगली बार रखेंगे साहब मेरी बात तो सुनिए, इस पर बोल दो ना पहले एलआईसी पर, फिर हम फिर घूम जाएंगे। मैं चाह रहा हूं सर, मैं घुमाना नहीं है, मैं इस अर्थव्यवस्था पे बात कर रहा हूं। जो सिस्टम जो पिछले 5 साल से और अब तक नहीं बने, उसमें एम्स भी आता है, उसमें हॉस्पिटल पे, अभी हेल्थ सेक्टर पे चर्चा हो रही थी, कौन से एम्स बने, कौन से हॉस्पिटल बने, ये बात तो चर्चा में आना चाहिए कि कितने नए बनाए 5 साल में, 6वां साल हो गया गवर्नमेंट को। उसके बाद डिफेंस यूनिवर्सिटियों की बात थी, कौन सी बनी नहीं। उसके बाद महंगाई की बात थी, कहां पहुंच गई चरम सीमा पे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की जहां बात आपने रखी, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एक जेट एयरवेज बंद हो रही है, एयर इंडिया बंद हो रही है, बीएसएनएल बंद हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेचने की बात हो रही है, पोस्टल की बात हो रही है, वीडियो कॉल की हो रही है, टाटा डोकोमो की हो रही है, जेपी कंस्ट्रक्शन की हो रही है, ओएमजीसी की हो रही है, इंडियन रेलवे घाटे में जा रहा है, पीएनबी की हो रही है, बात रखने के लिए आया हूँ, बार बार कह रहे विपक्ष की बात रखने साहब, आपको विपक्ष पक्ष की बात नहीं आया, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपनी बात अपने टाइम पे रख रहा हूं। जरूरत पेश के आई दुग्गल साहब, एलआईसी वगैरह के, आप इत्तेफाक रखने की जरूरत थी कि एक एक ऐसा संगठन जो वर्षों से सालों से देश में लोगों के लिए वादा कर रहा है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लोग कह रहे हैं कि उसकी गारंटी नहीं रही। देखिए ऐसा है कि एलआईसी जो है उस पे लोगों का फेथ बहुत है, पुराने अगर टाइम पे अगर किसी ने तो ये भी कहा कि एलआईसी को अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, पुराने टाइम पे जो अगर हम पास्ट देखें तो अगर आज आप भी इंश्योरेंस कराने जाओ तो आप क्या कहोगे, मैं एलआईसी करवा रहा हूँ, चाहे वो आप प्राइवेट किसी सेक्टर के किसी भी कंपनी के करवा रहे हो तो आप एलआईसी बोलते हैं, एलआईसी की डिडक्शन खत्म कर दी। बट अगर आप एक चीज देखें कि पिछले अगर आप कुछ पीरियड में एनालिसिस करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंश्योरेंस का बिजनेस ज्यादा पिकअप कर रहा है बजाय की एलआईसी के, उनका ग्राफ है ठीक है पर उनका एक लिमिटेड एरिया तक ग्राफ है। क्या इस बीच में जो हमारे क्या कुछ करप्शन वगैरह इसमें इन्वॉल्व, इसलिए ऐसा हो रहा है जो हमारे जो सरकारी सेक्टर से, कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि करप्शन या कुछ, बट मेरे को ये लगता है कि जिस टाइम वो कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो कोई भी बॉडी है वो ज्यादा प्रोफेशनल वे से रन होती है, और वर्क कल्चर जो है वो स्टाफ का वर्क जो सिस्टम वर्किंग का है, जो मैनेजमेंट का सिस्टम वर्किंग का है वो थोड़ा सा उसमें सिस्टम में इंप्रूवमेंट होता है। पंकज गुप्ता जी, जब हम प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मॉडल की जब ज्यादा बात करते हैं तो क्या लोगों का विश्वास कम होने लगता है सरकार पर, कि आपको क्या हमारी सरकार सही से काम नहीं कर पा रही खुद के जो सरकारी जो सेक्टर्स हैं इदारे हैं वहां पर, इसलिए उनको लाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए या वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं सरकार को? एक दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इसी के ऊपर। आज हम कोई भी बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो हम नेशनलाइज बैंक में ना जाके प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, हम कोई भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस लेनी है, इंश्योरेंस में भी हम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जब गवर्नमेंट, वैसे भी गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम पब्लिक वेलफेयर है। जो ये एलआईसी है या और जो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया है या जो भी है जिनको प्राइवेटाइज कर रही है,
इससे डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी और आम आदमी को सर्विस मिलेगी। जो लूट नहीं बढ़ जाएगी ये भी है, और इसके अलावा फिर रोजगार की समस्या नहीं, अगर मनमाने रेट नहीं हो जाएगी। जब जब प्राइवेट सेक्टर आप बताइए, आप देखिए जब बीएसएनएल था, बैलेंस खत्म करते जा रहे हैं। जब देखिए जब बीएसएनएल था और जो प्राइवेट सेक्टर है, तो देखिए किस में जैसे ही बीएसएनएल खत्म होगी आप देख लेना रेट कहां जाते, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आया तो बीएसएनएल भी वो यही पे होगा। इतना फिर मैं देखिए मैं ये जानना चाहूँ, देश भी जानना चाहता है, हमारे तमाम दर्शक, कि नवनीत जी जी और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तमाम चीजें अब एकदम तरीके से आप निष्पक्ष तरीके से रखेंगे, या कोई पार्टी की होती तो शायद उसमें अलग बात होती। सर ये नहीं लगता कि जब हम रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात करें, या फिर हम एयर एजेंसीज की बात करें वहां पर, या फिर हम बैंकों की बात करें अपने हिस्से को बेचने की, तो ऐसा कि वाकई में फिर आर्थिक स्थिति बुरी है, इसलिए इस तरह से उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है इस चीज में? नासिर जी, आप अगर पिछले 70 सालों का इतिहास देखेंगे, दो मिनट हम जाना चाहेंगे, सिर्फ एक मिनट लूंगा इस बात पे, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी, उसके बाद एक सोशल इकोनॉमी बनी। सोशल मींस थोड़ी सी आपको पता है सारी चीजें जहां पे सरकार ही ओन करती है। 90 के दशक में ये ओपन उप हुई और एक कैपिटल मिड कैपिटल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई, आगे बढ़ी। आप ये देखेंगे 90 के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे नॉन कांग्रेस की सरकार हो, डिंगरा जी मैं इसमें कांग्रेस नॉन कांग्रेस मैं सिर्फ इकोनॉमी पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करूंगा, मैं किसी पार्टी पे नहीं करूंगा। आप ये देखेंगे पहले भी बहुत अच्छे ढंग से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल ट्रैक पे लेके आने का हुआ है। प्राइवेट बैंकों को लाया गया है, किस तरीके से सर्विसेज में सुधार हुआ है हम सब जानते हैं, हम गली मोहल्ले सिटी स्टेट नेशन के अंदर जानते हैं किस तरीके का बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर जो एक मॉडल है हमारे सामने वो कर रहा। तो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया कभी भी कोई भी सरकार कभी स्टेप लेती समय के हिसाब से, उसमें वैल्यूएशन डिपेंड करती है, टाइम फैक्टर डिपेंड करता, सरकार की नीड डिपेंड करती है कि इस सरकार चाहती इस सेगमेंट में। अब बैंक का आपने जिक्र किया और बैंक गारंटी को लेकर भी उसका प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी जिक्र कर रहे थे जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को, और वित्त मंत्री ने भी जिक्र किया कि जो बैंक गारंटी थी वो 5 लाख की अब कर दी गई है, इस पर भी हम पहले 1 लाख थी है अब 5 लाख, और इसने लोगों को बड़ा परेशान किया था, इस बीच लोग बड़े परेशान थे, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। लगातार हम बात कर रहे थे जब बजट पेश हुआ उस दौरान क्या कुछ रहा, बजट पेश होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसके अलावा जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको किस तरह से देखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020 और 21 का बजट पेश किया, और इस बजट में उनका कहना था कि हर वर्ग के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ खास रहा इस बजट में, एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा आम बजट सदन में पेश किया है। ये नए दशक का पहला आम बजट है, वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार बजट पेश हुआ। इस बजट में हर वर्ग के लिए कई अहम ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसानों पर फोकस्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% से ज्यादा रही, इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5% रही। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 48.7% पर आ गया है। आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और उनकी झोली भर गई है। सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है, आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 से 7.50 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब 10% टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20% देना होता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए दशक के पहले बजट में किसानों की आय अगले 2 साल में दोगुनी करने की बात कही तो उन्होंने सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की बड़ी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी की नई सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने बताया कि 2 साल में जीएसटी में 2 लाख नए करदाता जुड़े और 40 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए।
बैंक डिपॉजिट पर बड़ा ऐलान। सीतारमण ने ग्राहकों के बैंक डिपॉजिट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बैंक जमा पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलेगी, यानी बैंक के डूब जाने के बाद भी आपके 5 लाख रुपए बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। रेलवे में ये ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 150 ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की है। देश भर में लगेंगे प्रीपेड मीटर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में बिजली के मीटर्स को भी बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में देश भर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक मदद देगी। जल संकट में प्रभावित 100 जिलों के लिए लाइव विस्तृत योजना लाई जाएगी। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़े ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियों को शामिल कर लिया गया। 50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी। मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे, जिनमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू की जाएगी। स्मार्ट सिटी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया। सीतारमण ने 5 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात कही। हालांकि भाषण में बजटीय आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सरकार ने 2019-20 के लिए 2019 में स्मार्ट सिटी के लिए 6,450 करोड़ रुपए आवंटन किया था, जो पिछले साल तय की गई राशि से लगभग 4.5% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन करने की बात कही। झारखंड की राजधानी रांची में एक अनुसूचित जनजाति का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में समुद्री म्यूजियम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कश्मीरी में कविता भी पढ़ी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और कविता के दौरान, वित्त मंत्री की कविता के दौरान युवा की बात हुई, कमल की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि टैक्स लैब पर हम चर्चा कर चुके हैं, बाद में भी इस पर और थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। हमारे साथ तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, तमाम मेहमान। लेकिन जो बैंक डिपॉजिट गारंटी की बात थी, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं पूरे देश भर में थी, लोग घबराए हुए थे बैंक डिपॉजिट गारंटी को लेकर, उस पर ही बात करते हैं। लगातार तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत आपसे करता हूँ पंकज गुप्ता साहब। ये जो बैंक डिपॉजिट गारंटी होती है, ये पहले से ही थी या अभी लोगों को पता चला, फिर इसमें ये पहले 1 लाख रुपये, ये क्या होती है, किस तरह से लोगों को परेशान करती है और परेशान किया इसने? देखिए, जब से बैंकिंग रेगुलेशन आया है, साथ के साथ ये जो बैंक में डिपॉजिट्स है इसकी गारंटी भी आई है। जब जो भी हम आम आदमी, जो भी उपभोक्ता है, जो बैंक में पैसा जमा करवाता है, तो बैंक उसको गारंटी देता है कि अगर कल कुछ बैंक के साथ कुछ अनहोनी होती है, बैंक में पैसा डूबता है, बैंक घाटे में जाता है, तो बैंक की देनदारी एक आदमी के प्रति 1 लाख रुपये तक की है। ये शुरू से ही ये 1 लाख रुपए की लिमिट रही है, या चाहे किसी का कितना भी पैसा हो लेकिन बैंक उसको 1 लाख तो देगा, 1 लाख रुपए देगा। अब वो ये जब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एनपीए गवर्नमेंट ने की, ये एनपीए गवर्नमेंट की थी, ये यूपीए और ये स्टार्टिंग से चलता रहा, ठीक है। कुछ समय बीच में ऐसी अफवाह उड़ी और उससे लोगों को ये पता लगा, अदरवाइज लोगों को पता भी नहीं हुआ करता। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो कुछ दिन पहले HDFC की पासबुक भी एक सर्कुलेट हो रही थी, उसमें स्टैंप लगी हुई थी कि 1 लाख रुपए तक धारक को पे गारंटी है। तो उसी को लोगों को कॉन्फिडेंस बैंकों में रखने के लिए ये वित्त मंत्री जी द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें कि आज अगर बैंक को कुछ नुकसान होता है, बैंक अगर लॉसेस में जाता है, तो 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए तक अगर डिपॉजिट है तो वो देगा। और इसलिए सोचा गया विशालपुरी जी कि बैंकों को लेकर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो विश्वास था, वो कम हो रहा था,
बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा पीएम और बैंकों की जो बुरी हालत है उसकी वजह। हाँ बिल्कुल, जो पीएमसी बैंक का घोटाला भी हुआ है जो आया था महाराष्ट्र में हुआ है, जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वो अनसर्टेनिटी थी भी हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा। फिर उसको करने के लिए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, लोग तो ये भी कह रहे थे जो मर्जर हो रहे हैं बैंकों के, छोटे छोटे बैंक में लाके बड़े बैंक में डाल रहे हैं, तो लोगों ये बहुत ज्यादा अविश्वास हो गया था। इंडस्ट्री में भी बहुत था भी, पता नहीं हमें पैसा मिलेगा नहीं, आगे स्ट्रेस बहुत आ गया। सिर्फ उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा किया गया है, जो भी किया गया ये निर्णय लिया है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ही किया। जो अच्छा पुष्पन दुग्गल साहब, जो बैंकों को मर्जर किया जा रहा था, ये ऐसा क्यों, क्या इससे फायदा पब्लिक को हो रहा था, या फिर बैंक बहुत घाटे में चल रही थी इसलिए इसका इस तरह के कदम उठाए जा रहे थे, और अगर घाटे में चल रही तो उसकी वजह क्या थी? और इसमें भी इस बार बजट में भी बैंकों का, खासतौर से शुरुआत में ही बैंकों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया था। देखिए, जो अभी मर्जर हुए हैं बैंक्स के, उसमें अगर आप एंड रिजल्ट देखेंगे, जिस टाइम मर्जर होना था, जैसे मैं SBI की बात करूँ, जितने स्टेट बैंक्स के अंदर जितने बैंक्स आते थे, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, हैदराबाद था, बीकानेर, जयपुर था, SBI, वो सारे जो हैं वो सारे मर्ज होकर जितने वो SBI में मर्ज हो गए। अब इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मर्जर हो रहा है तो बाकी इसमें स्टाफ का क्या होगा, इसमें लोगों के पैसों का क्या होगा, हड़ताल पर भी है जो बैंक कर्मचारी हैं अभी। नहीं नहीं, वो इस रीजन से, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल जब एंड रिजल्ट आया तो आप देखेंगे कि जब जैसे ही मर्जर खत्म हुआ, आम पब्लिक को तो पता भी नहीं लगा, फील भी नहीं आया कि भाई बैंक मर्ज भी हो गया। आप वैसे ही आज अपनी ब्रांच में जाते हैं, आप वैसे ही अपना जो अकाउंट है उसको आप ऑपरेट करते हैं, ठीक है, किसी जगह पे कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, पॉइंट आप दे दिए, आपने बात खत्म कर ली अपनी, ठीक है, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ एक बात। नवदीप गुप्ता जी, एक मिनट सर, और इसी पर फिर हम बैंक पर ही रहेंगे थोड़ी देर। हाँ, बैंक पर ही रहेंगे तो नवदीप जी से पूछ लेता हूँ फिर। हाँ, IDBI बैंक का हिस्सा, IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, इस पर भी आप बता दीजिए। मेरी बात सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। सर पहले इस पर तो पूछ ले, फिर बाद में नहीं, मैं अगर पूछूंगा तभी तो जवाब दे पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहूं। पूछने का काम मेरा है ना, मैं पूछ लेता हूं जरा। जी गुप्ता जी, नासिर जी, बैंकों का मर्जर एक मुद्दा, दूसरा आपने उसमें क्वेश्चन किया था IDBI का, तीसरा आपने क्वेश्चन अंदर बिटवीन द लाइंस आपने बोला कि क्या बैंक लॉस में थे इसलिए मर्जर हो रहा। मैं सारी शंकाओं को आपके इस फोरम से दूर करना चाहता हूं, और एक बैंकिंग सेक्टर में काफी देर से मैं रोल कुछ प्ले कर रहा हूं अलग अलग फोरम पे, तो मैं बताऊंगा ऐसा क्या है बैंकिंग सेक्टर का। आपने देखा कोई भी सरकार रही, बहुत अच्छी तरीके से उसका एक्सपेंशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन हुआ थ्रू पब्लिक इश्यूज, राइट। दूसरा, मर्जर की बात क्यों आई? मर्जर की बात इसलिए आई, आप देखेंगे एक सेक्टर में 8-8, 9-9 ब्रांचेस हैं बगल बगल में, मतलब स्टेट बैंक की वॉल टू वॉल लगी है, OBC की वॉल टू वॉल लगी है, और साथ में आप देखेंगे यूनाइटेड बैंक है, और उसके बगल में आप देखेंगे दूसरा। एक हेल्दी कंपटीशन आया था जब नंबर ऑफ बैंक्स बढ़े थे, पर क्या हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हेल्दी कॉम्पिटिशन अनहेल्दी में बदल गया। बैंक कंपटीशन आपस में ही करने लगे और एक दूसरे का डिपॉजिट, इधर एक्चुअल में रियल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो इधर से उधर डिपॉजिट्स और लैंड मनी का जो एडवांसेस होता है इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था, और मनी भी वही था। तो अब इसको स्केल ऑफ ऑपरेशंस को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने सोचा, जब आप स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाते हैं और उसको कंसोलिडेट करते हैं, तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ, आपकी दूसरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में एक स्ट्रेस है और उसके कई सारे वजह आप बोलेंगे तो इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ढींगरा जी, अब आप बताइए। बात ये है, जो ये मर्जर हुए, मेरा मानना ये है कि जिस समय जो गुजराती जिन्होंने लोन लिए थे, वो सारे गुजराती जो है जब देश छोड़ के हमारा भागे, और मोदी जी का इलाका है वो, और वो लोन कांग्रेस ने दिए थे अपने टाइम में, उसके बाद मर्जर की प्रक्रिया सुन लीजिए। बीजेपी वाले ये कहते थे लोन कांग्रेस ने दिए थे, सुनाइए ऐसे मत करिए। वो जो सारे गुजराती थे, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं, वो गुजराती ही सारे के सारे जो बड़े बड़े गुजराती थे जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले रखे थे, वो सारे भागे क्यों? सारे मोदी जी के राज में, एक मिनट सुनिए ना, मोदी जी के राज में भागे,
और उनके कई लाखों करोड़ रुपए हैं जो भागे हैं, और वो उसके बाद मर्जर की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम लिपापोती जितनी मर्जी करें, पैसा तो हमारे भारत का डूबा गया वो, क्योंकि वो भाग गए। उसके बाद उससे अभी तक जितनी उनकी बिजनेस की जो उनकी इंडस्ट्रियां थी, जो उनके जो जमीनें थी, वो कोई पैसा अभी तक गवर्नमेंट ने रिकवर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी बात कर रहे थे हम कि 1 लाख से 5 लाख, चाहे पीएमसी बैंक था चाहे दूसरा था, लोगों के मन में डर किसने पैदा किया? यही बीजेपी गवर्नमेंट ने। जिस समय ये सारा सिस्टम लूट रहा था देश, उस समय मोदी जी वो जैसे बीन बजा रहे थे ना, वो इस तरह से न्यूरो की तरह बीन बजा रहे थे, और वो सब लोग सारा पैसा देश का लूट रहा था, और हम लोग पूरा कह रहे थे कि इसके ऊपर आप लगाम लगाइए, पर नहीं लगाई जानबूझ के। इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अब 1 लाख रुपए को 5 लाख करने की बात है, वो तो एक तरह से दिखाने की बात है कि हमने ये कर दिया, लेकिन कारवा तो लूट चुका। अब लिखेंगे तो लूट चुका, आप कुछ कह रहे थे, अब आप मैं एक दूसरी रिपोर्ट में मैं एक बात बताऊंगा। उसके बाद जो देखिए जवाब भी ले लीजिए, मैंने कुछ बोझ में मतलब जवाब डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुई ना, मतलब कुछ उसमें आप क्लियर करना चाह रहे हैं ना, और भी नई चीजें जल्दी से सर, जल्दी से ढींगरा जी, अगर आप तथ्य जो कि गूगल पे अवेलेबल हैं और सारी बैंकों की बैलेंस शीट्स में हैं, अगर आप लोन का अमाउंट देखेंगे कि 2006 से लेके 2013 तक कितना लोन डिसबर्स हुआ, और 2013 से लेके या 19 या 16 या 17 तक कितना डिसबर्स हुआ या रिकवर हुआ, उसको बैंकिंग सेक्टर जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था उसमें इंसॉल्वेंसी आईबीसी एक्ट को लेके आने वाले एक पॉइंट की सुई भी बाहर नहीं जा सकती, जहाज पे चढ़ना और फिर एक बड़ा वीजा लेना, सर एक बहुत बड़ा उस पर बहुत बड़ा सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती। बहुत संक्षेप में एक लाइन, जस्ट इन लाइटर नोट, ढींगरा जी हमारे मित्र है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग तो खैर इंडिपेंडेंट बैठे हैं, बट एक बात कहना चाहूंगा, ढींगरा जी ने गुजरात को तो मोदी जी को दे दिया, मतलब कि देश का है गुजरात मींस मोदी, गुजराती ठीक है सर, अब हम इस पर नहीं जा रहे, जो गुजरात पर और यूपी हरियाणा पर बात नहीं करते, हम अगली रिपोर्ट देते हैं, ठीक है गुप्ता जी एक मिनट, भारतीय रेलवे के, ठीक है सर रहने दीजिए, भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, और बजट में इसको लेकर जो घोषणाएं होती हैं उसकी काफी अहमियत होती है, और इस पर सबसे ज्यादा निगाहें होती हैं। हालांकि पहले रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब एक दो साल से रेलवे के बजट को साथ में ही कर दिया गया है, जब आम बजट पेश किया जाता है। रेलवे के लिए क्या कुछ रहा और किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत अहम इशू है, एक रिपोर्ट के बाद जल्द लौटते हैं इस पर चर्चा करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020 से 21 का बजट पेश किया। बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है, इसीलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएगी। तेजस ट्रेनों के जरिए पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने रेलवे को क्या कुछ सौगातें दी हैं उन पर भी नजर डालते हैं। 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। पीपीपी मॉडल से 4 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। रेलवे पटरियों के किनारे बनेंगे सोलर पावर ग्रिड। तेजस ट्रेनों की बढ़ेगी संख्या। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा होगी। 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन। 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। तो वहीं बजट 2020 से 21 में मोदी सरकार ने देश के किसानों के लिए भी किसान उड़ान योजना का ऐलान कर उन्हें तोहफा दिया है। बजट 2020 से 21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया। इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका। और जो हमारा पैनल है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, मतलब हम ब्रेक पर भी होते हैं उसके बाद भी लगातार डिस्कशन चलता रहता है। रेलवे की हम बात कर रहे थे, रेलवे को लेकर भी बजट में बहुत सी बातें की गई हैं। तेजस चलाई जाएगी, अहमदाबाद टू मुंबई हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसके अलावा 6,500 प्रोजेक्ट्स जोड़े जाएंगे और साथ ही 550 स्टेशन पर वाईफाई शुरू की जाएगी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस बजट में जो, और फिर बीपीपी मॉडल से रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। मैं दुग्गल साहब आपसे शुरुआत करता हूं। दुग्गल साहब, पीपीपी मॉडल फिर यहां पर भी आ रहा है, एक रेलवे को लेकर एक हमारे जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है रेलवे का, जहां पर नौकरियों में अगर लग जाए तो लोग उसका इंतजार करते हैं, क्या वजह रही कि क्या रेलवे घाटे में जा रहा है? और एक कभी ये भी कहा जाता है कि कभी फायदे में था, कभी फायदेमंद भी रहा रेलवे लालू प्रसाद यादव के वक्त में, फिर उसके बाद उतार चढ़ाव रहते हैं। इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं और जो जो घोषणाएं रेलवे को लेकर की गई हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि रेलवे के घाटे या प्रॉफिट या लॉस, हाँ, तो जो पहले लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पे अगर वो प्रॉफिट कहा कि वो प्रॉफिट था, तो अगर आप उसके एक्चुअल फिगर्स पे जाओगे तो वो क्या था, वो सारी स्क्रैप की सेल थी। अच्छा, वो स्क्रैप की सेल थी जिसको वो बुक करके उसको प्रॉफिट दिखा दिया गया, दिस इज अ प्रॉफिट। रियल एस्टेट भी था, ठीक है ना, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं था। और दूसरी बात ऐसा है कि जो रेलवे है वो एक हमारा बिल्कुल लोअर जो वर्ग है हमारा जो कंट्री का, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और रेलवे जो है वो हमारी बेसिक कम्युनिटीज जो हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लोग बिल्कुल लोअर तरीके से वहां भी जुड़ा हुआ, कह सकते हैं ना कि एक आखिरी आदमी और जो देश का सबसे ताकतवर है, यानी सब इससे जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है। बट जो इसका जो फेयर रखे जाते हैं वो उस बेस पे रखे जाते हैं ताकि एक गरीब से गरीब बंदा भी उसको अफोर्ड कर सके, और जो नेचुरली जो ऊपर लेवल वाला वो उस लेवल के अपने हिसाब से फैसिलिटी को क्लास के हिसाब से। तो अगर हम कहें कि रेलवे जो है वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा है या, तो वो हमारे लिए कहना बड़ा गलत होगा नेचुरली, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर गवर्नमेंट का है वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इसको अब मैं विशालपुरी आपसे पूछ लेता हूँ। पीपीपी मॉडल का जिक्र इसमें भी किया जा रहा है कि पीपीपी मॉडल से ही रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, पीपीपी मॉडल के तहत 150 ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो चीज़ें जो सरकार का एक सबसे मजबूत सेक्टर माना जाता था वहाँ पर, और इससे फिर क्या फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को परेशानी नहीं होगी? वैसे देखिए, रेलवे तो एक हमारा बहुत ही मनपसंद अपना ये है डिपार्टमेंट है, हमारे अपने प्रोफेशन के भाई सी ए पीयूष गोयल जी, हाँ, जो हमारे आपस में है वो इसको, हाँ, लीड कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। और उनकी ही काम करने की प्रणाली थी ये, पिछले एक साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ रेलवे के अंदर, इतना अच्छे तरह से एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। आपको पता होगा जैसे एक बिजनेसमैन के टाइप होता है, मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये काम कर सकता हूँ, बट उसको अगर मैंने एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, देन आई हैव टू हैव मोर बजट, तो मैं बाहर से उसको पैसे को बोरो करता हूँ। पीपीपी मॉडल में यही होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी, उनसे फंड्स आएंगे और एक्सपेंशन होगी और बेटर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ गुड आइडिया पीपीपी मॉडल पर जाने के लिए, फॉर इसके कारण लोगों को फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ये डेफिनेटली होगा। आप देखिए, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, रेलवे के लिए इन्होंने कितना अच्छा किया सिस्टम कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, वो कितना वैल्यू एडिशन होगा रेलवे के लिए, इनकम के लिए भी, सेकंडली जो पावर हमारे जो कंट्री में जो पावर है उसके लिए भी कितना वैल्यू एडिशन होगा, पावर जनरेशन होगा डेफिनेटली। अच्छा गुप्ता साहब नवनीत जी, पीपीपी मॉडल से क्या फायदे में आ जाएगी रेलवे? सुविधाएं जो अभी हम उसको लेकर लचर व्यवस्थाएं हो रही हैं, सुविधाओं का अभाव है, क्या उससे फायदा हो जाएगा? भाई साहब, ऐसा है, हम सारी जगह सुविधाओं की बात तो करते हैं, हाँ, हमको ये भी मिले, हमको वो भी मिले, जब हम उसमें चेंजेस के बारे में करते हैं तो आप रिजेंटमेंट करते हैं कि उसमें चेंज ना हो, सुविधाएं मेरे को पूरी मिले पर मैं नहीं चाहता कि मेरा कहीं बदलाव हो। सुविधाओं का कहां से पैसा आएगा उस बारे में आप नहीं चर्चा करते, या तो सरकार अपना पैसा डाले, रेलवे में और डाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में और डाले, कहीं में डाले, नहीं मैं बताता हूँ, स्वास्थ्य सेवा में डाले, तो सरकार किस किस सेक्टर में कैसे डालेगी। और जब हम बात, दूसरी बात आती है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो कि हम सबने देखा, कोई भी सरकार रही
कई जगह ऐसे मॉडल बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए और बहुत अच्छी तरीके से वो सर्विसेज सेवाएं अपनी देश की जनता इंक्लूडिंग पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी तक वो पहुंच रही है। हमको इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को रिजिस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, इस टाइप के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमें बढ़िया सुविधाएं चाहिए। तो अगर प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है और मेरे पास उसका एक थोड़ा सा रीजनेबल बोझ आता है तो मुझे दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। पंकज गुप्ता जी, देखिए रेलवे इस देश की रीढ़ की हड्डी है, एक बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसकी कायाकल्प के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, देखिए जिस समय ये रेलवे शुरू हुई उसी समय के ट्रैक अब तक चले आ रहे हैं, वही पुरानी ट्रेन चल रही है जिनकी स्पीड 60 70 80 है। इस गवर्नमेंट ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि देखिए रेलवे की तरक्की कब मानी जाती है, जब रेलवे की स्पीड बढ़ती है। अगर रेलवे की अगर स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ गई है या 5 किलोमीटर बढ़ गई है तो ये माना जाता है कि रेलवे में परिवर्तन आया है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रेलवे ट्रैक्स को प्रॉपर करना पड़ेगा, रेलवे के सिग्नल्स को प्रॉपर करना पड़ेगा। अब देखिए गवर्नमेंट और उसके लिए जरूरी है, जरूरत है प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ठीक है ना, अब मैं इसमें मैं फिर कोई ब्रेक पे जाना, फिर ढिंगरा जी कहेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला। ढिंगरा जी, सुविधाएं चाहिए और जब किसी चीज को बेहतर तरीके से संचालित करना हो तो फिर उसमें अगर कुछ लोगों का अगर प्राइवेट कंपनीज का पैसा भी लग जाए और उससे लोगों को सुविधा मिल जाए तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए उसमें एक डर है। अच्छा, डर ये है कि जब आप पीपीपी मॉडल पे रेलवे को लेके जाओगे तो उसके रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ेंगे तो लोगों को इतना समर्थ नहीं है इस चीज को, उनसे लोग इतने समर्थ नहीं है कि इसके एग्रीमेंट वहन कर पाए। एग्रीमेंट किया जाए कि बहुत नॉर्मल से प्राइस कौन एग्रीमेंट कर रहा है, कौन पूछ रहा है एग्रीमेंट सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, हमारा देश कोलैप्स हो रहा है क्योंकि सारी चीजें बिकने पे आ गई, हमारा सारा सिस्टम बिकने पे आ गया, तो इसमें सबको डर तो होगा ना। आप तो सवाल पूछे तो आप कहें ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा तो होगा लेकिन हुआ क्या 6 साल में? अच्छा, ये तो समझाने की जरूरत है। बुलेट ट्रेन की बात तो मोदी जी ने की थी लेकिन उसके तो एक पटरी के लिए एक टायर भी नहीं बिछा, कुछ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुई, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? ठीक है, इसी चीज को रेलवे का अपना बजट होता है। ठीक है, आज रेलवे का अपना, मैं आपसे आपसे शुरू करूंगा ढिंगरा जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक मैं आऊंगा ब्रेक के बाद इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। आम बजट पेश किया गया और रेल बजट भी इस दौरान पेश किया गया, मतलब रेल का भी उसमें जिक्र किया गया, अब स्पेशली रेल बजट पेश नहीं किया जाता। हम इस पर ही बात कर रहे थे लेकिन तमाम मेहमानों से एक बार फिर से चर्चा करेंगे रेल बजट को लेकर, रेलवे में किस तरह के प्रावधान बजट में किए गए थे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को बहुत ही दिशाहीन बताया, साथ ही ट्राई सिटी के लिए कोई घोषणा न होने पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। जी, इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके पवन बंसल जी के साथ और खास बातचीत उनसे करेंगे क्योंकि आज 2020 और 2021 का जो बजट है, आम बजट जिसे कहा जाता है, वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किया गया। उस बजट को पवन बंसल किस तरीके से देखते हैं क्योंकि कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जी पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। हम जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में जो बजट आज निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया किस तरीके का है? दिशाहीन है, निराशाजनक है, किसी ढंग का लोगों को कोई उम्मीद इससे बढ़ती नहीं कि ये इनके हाथों में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, मजबूत होगी, वो नहीं इससे नज़र आता। रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा कायम कर लिया कि 3.25 घंटे का भाषण हो गया, ये आज तक कभी नहीं इतना बड़ा हुआ था। उस कारण उतने ही शब्द हैं उसमें, इतने ही उसमें बातें कही हैं, अलग अलग तरह की स्कीमों के नाम रख दिए, लेकिन अगर हम पुरानी चीज़ स्कीम जो इनके बजट्स हैं उनके मुकाबले में देखें तो कहीं कुछ नहीं हुआ। जी बंसल जी, अगर बात की जाए, आप केंद्रीय रेल मंत्री रहे हैं तो अगर रेल के लिहाज से इस बजट को देखा जाए तो आपकी नज़र में ये क्या है? अब क्योंकि बजट इकट्ठी हो गई है, इसमें तो बहुत कुछ रेलवेज का बोलने का नहीं आता और मंत्रालयों से मुकाबले में कम ही आया है। सिर्फ जिक्र किया है कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का, 11,000 किलोमीटर का या 4 रेलवे स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, लेकिन इससे ज़्यादा जो बातें हैं बाहर बजट में नहीं की वो अहम हैं, वो उसका नहीं जिक्र किया। वो है कि इन्होंने फैसला कर लिया है नीति आयोग के कहने पर कि 150 ट्रेन प्राइवेट आ रही है हमारे नेटवर्क में। एक आखिरी सवाल बंसल साहब के, यूनियन टेरिटरी जो है अगर चंडीगढ़ देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी है, क्या
आप सरकार में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, तो इसके लिए आम बजट में कोई घोषणाएं होनी चाहिए थी। यहाँ कह सकता हूँ दावे के साथ, जितनी देर तक मैं था, जितने यूनिवर्स हमारे यहाँ पैसा चंडीगढ़ को चाहिए था, उस वो पैसा हमें मिलता था। बहुत सरप्लस नहीं होता था कि बहुत कुछ मिल गया, यहाँ पैसा ही पैसा पड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई काम रुका नहीं था। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एक एक के बाद एक एक विंग के लिए पैसा आता रहा, पीजीआई के लिए कितना पैसा आया, सड़कों वगैरह के लिए, ये जो आपकी स्लिप रोड्स वगैरह छोटी बातें हैं आप आज लगती, ये सब उस वक्त शुरू किया। एक एक चीज़ के लिए पैसा आता रहा था, अब नहीं आ रहा। कॉरपोरेशन के साथ क्या हालात हो गई, अब देखा पानी के रेट क्या करने लगे, चार चार गुना बढ़ाने लगे हैं ये कॉरपोरेशन में, चार गुना। देखने में दो गुना लगता है लेकिन जो स्लैब्स में फ़र्क डालती है कहीं कहीं तो वो चार चार गुना बढ़ रहा है। ऐसा हाल ये हमारे साथ करने लगे हैं क्योंकि केंद्र से पैसा नहीं आता। अब भी जितना मांगते हैं, पहले तो मांगना भी उन्होंने कम कर दिया क्योंकि मिलता नहीं, फिर उनको कहा होगा कि आप ज़्यादा मत मांगिए, नहीं इतना उसको आधा देना पड़े तो उनको फिर बुरा लगे। अब उसके लिए मांगना उसी हिसाब से कम कर दिया लेकिन उतना भी फिर नहीं देते। चलते चलते एक छोटी सी आखिरी बात के ईज ऑफ लिविंग और साथ ही साथ सबका विकास, सबका साथ और विश्वास मंत्र को लेकर सरकार चल रही है, ऐसा दावा सीतारमण ने ठोका। बहुत बहुत दावे, बहुत बार ऐसे हुए हैं, पहलुओं पे भी ऐसा करते रहे, उनसे नहीं है। अब पिछले आप चीज़ें देखिए कौन कौन से इन्होंने ये ऐसे स्लोगन्स घड़े थे, उसके साथ क्या हुआ था, जुमलाबाजी होती है, पहले भी बनाए और बनाते रहेंगे, उनके साथ लोगों को आप फायदा होते देखिए तब बात आगे होगी, वो नहीं मिल रहा लोगों को। बहरहाल ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके और कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन बंसल जी। तो बजट की हम बात कर रहे थे और बजट में रेलवे के लिए क्या कुछ किया गया उसकी बात कर रहे थे और पूर्व रेल मंत्री ने रेलवे को लेकर किस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया वो आपने सुना। विशाल पुरी जी, आप कुछ कह रहे थे जो इस प्रतिक्रिया पर जो पूर्व मंत्री आ रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं और उन्होंने कहा कि 150 ट्रेनों की बात कर रहे हैं, वो भी पीपीपी के जरिए बात कर रहे हैं, किस तरह से पॉसिबल होगा, सिर्फ मतलब पूरी तरह से उनको बिल्कुल ही ये बजट पसंद नहीं आया, निराश करने वाला उन्होंने कहा। नहीं नासिर जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम किसी पार्टी से किसी पक्ष से विपक्ष से नहीं आए हैं, बट सुबह 11 बजे बजट आया, उससे पहले 10 बजे एक हमें मैसेज आ गया एसएमएस जो सारा यहाँ पे सर्कुलेट होना लग गया, भी एंटिसिपेटेड बजट रिएक्शंस क्या होंगे वो पढ़ के मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जब बजट आया तो कौन सी पार्टी क्या क्या बोली है और उसी लाइन पे सब फिर आप कह रहे हैं इस बात पे, पार्टी की बात नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि बीजेपी वाले बोले पाथ ब्रेकिंग है, कांग्रेस वाले बोले एक बात है, ये तो होता ही है, जब विपक्ष वालों से पूछेंगे तो उनको तो बुराई नजर आएगी। आप किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए बजट के बारे में, तो इससे बेहतर बजट जिंदगी में आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियों की पानी के बिल बढ़ा दिए, वो तो कॉर्पोरेशन का, उससे बजट से क्या लेना देना है। अगर आप कह रहे हो बजट के कारण इसमें बिल बढ़ गया, तो फिर आपकी पंजाब में आपकी सरकार है वो की बिल बढ़ा रही है, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है वो क्यों कम कर रही है, पंकज गुप्ता। देखिए बजट के अंदर कुछ चीजें जो आई है, मैं उसको थोड़ा आपको क्या लगता है कि इस पर बहुत तीन चार चीजें बता के फिर उसको बताना चाहूंगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम दीजिएगा इसमें। कि जैसे बताया कि दिल्ली मुंबई के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं, ये सॉरी 550 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किया जाएगा, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की जाएगी, तेजस जैसी नई ट्रेनें शुरू की जाएगी, पर्यटन स्थल जो है इंडिया के उनके साथ तेजस को जोड़ा जाएगा, 27 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा, मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड ट्रेन की जाएगी। मेरा कहने का मतलब कि ये तो कुछ जो है स्कीमें जो रेलवे में ये बजट में बताई गई। इसके अलावा कहते पवन कुमार बंसल जी ने 150 जो ट्रेनों का जिक्र किया कि जो ये प्राइवेट चलाई जाएगी, आज की डेट में अगर हमने अपने रेलवे को कंप्लीट टर्न अराउंड करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को अपना विकास के लिए भागीदार बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, आज ये गवर्नमेंट डिसीजन ले चुकी है, लगभग 400 स्टेशंस को ये पीपीपी मोड के ऊपर ये विकसित करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है वो ऑलरेडी वो उनका एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें कि ये अगले 99 सालों के लिए 44 जुगल साहब इन्होंने दे दिया हुआ है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम बजट पेश किया जाता है हमारे यहाँ पर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए इस तरह की परंपरा भी, जब नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जो पिछला बजट पेश किया गया था कुछ आंकड़ों के साथ थोड़ी देर की, भाई हमने ये चीजें उस टाइम पर घोषणा की थी और देखिये ये हमारी जमीनी हकीकत बन चुके हैं, इसको हमने जहां पहना दिया गया है, ये परंपरा भी शुरू हो जानी चाहिए देश के अंदर। देखिए बजट जो होता है वो बेसिकली बजट का मीनिंग क्या होता है, हाँ, कि बजट पेश करना है और जो हमने पहला बजट किया उसका भी हिसाब दे दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है वो जो आप कह रहे हैं वो दे दिया जाए वो भी ठीक है कि थोड़ा बहुत वो होता है बजट में। अच्छा। आप अगर बजट की कॉपी पढ़ेंगे, देखो स्पीच में वो चीज नहीं, कई चीजें होती। अच्छा। स्पीच में भी कई चीजें पुरानी जो बजट की जो है रिलेटेड बोली जाती है,
बट अब जब आप बजट की पहले कॉपी पढ़ते हैं, बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स में उसका साथ में वो सारी फिगर्स दी होती है अगर बजट में आप डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरी बात, जो मैं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, पीपीपी की हम जो बार बार बात कर रहे हैं, उसमें जो बार बार एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि उससे जो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी या कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक्स प्राइवेटाइज हुए, आरबीआई बैठा है। आरबीआई क्या है? वो रेगुलेटरी बॉडी है। इंश्योरेंस के ऊपर आईआरडीए है, जो आज की डेट में भी इंश्योरेंस सेक्टर है, प्राइवेटाइज है। क्या वो एलआईसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा? कंपटीशन हो गया था। एक मिनट ढिंगरा जी, मैं जो आपको बात बताना था, गुप्ता जी ने कहा कंपटीशन हो गया था, मैं आपको बता रहा हूं, तो है ही नहीं उसमें। मैं आपको बात बता, आप कह रहे हो ना आरबीआई बैठा, तो गुप्ता जी को नहीं समझ में आया कि आरबीआई है या नहीं। मैं आपकी बात का आंसर दे रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे कि जो कॉस्टिंग है वो लूटने लग जाएंगे, वो मतलब आम पब्लिक का पता नहीं क्या होगा, तो उस केस के लिए क्या है कि रेगुलेटरी बॉडी हर एक चीज के ऊपर बैठी होती है। ऐसे रेलवे बोर्ड बैठा है, तो जो भी चीज अगर प्राइवेटाइज होती है उसको मॉनिटरिंग की जाती है। आप मोबाइल फोन को देखिए, टीआरएआई बैठी है, तो आप देखते हैं क्या उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई क्या, बल्कि प्राइवेटाइजेशन आने से रेट्स कम ही हुए। अब मैं एक पॉइंट और था, क्योंकि मैं आप लोगों से इसलिए भी जानना चाहूंगा, जो स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, पिछली बार 500 स्मार्ट सिटीज, इस बार सिर्फ 5 का जिक्र किया गया है। नवनीत गुप्ता जी, जब किसी शहर को स्मार्ट बनाने की बात की जाती है तो किन किन जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, किस तरह से खर्च करना पड़ता है, और क्या पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी उसके हिसाब से जब देखा कि बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते इसलिए सिर्फ 5 का जिक्र किया गया, या सिर्फ 5 ही बची हैं इसलिए इनको भी कर देते हैं? नासिर जी, सबसे पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है हमें समझना पड़ेगा। जब भी कोई सिटी स्मार्ट की सिटी के लिए सेलेक्ट होती है, उसकी बेसिक उस सिटी की नीड्स क्या हैं, उसके यूएसपी क्या हैं, उसमें डेफिशिएंसी किस किस एरिया में है, उसको लेके एक डीपीआर, जिसको कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनती है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक अपना एस्टिमेट देती है कि इस जो पैसा है किस किस हेड में खर्च किया जाएगा। जब आप सरकार ने इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी है स्मार्ट सिटीज में, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स दे रही है, तो ये ज्यूरिडिक्शन किस, उन्होंने एक ब्रॉडर आउटले दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जितनी मेरे को नॉलेज है, कि ये आपके एरियाज हैं, इसमें पब्लिक यूटिलिटी है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, सारे सेक्टर्स को उन्होंने ब्रॉडली आउटले किया। इसमें बहुत सारा रोल उस सिटी के, उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर, पीपल हु आर गवर्निंग देयर, पीपल हु आर लिविंग देयर, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है उस पूरे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सिरे चढ़ाने में। तो ये एक मतलब एक आप एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक चैलेंज भी होता है, साथ में ऊपर काम भी करना होता है। केवल ढिंगरा साहब, वित्त मंत्री ने कहा कि हमने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, हम सबका साथ सबका विकास का ध्येय लेकर चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य देश सेवा है, और उतने वादे करते जितने पूरे किए जाएं। देखिए, पूरे देश के अंदर सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा। आप देखे कि ही सारे धर्मों को आपस में, जातियों को बांट रखा है पूरे देश में। अब जहां तक बात है इस ग्रोथ की, मैं सीए तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि एक एक्सपेंडिचर होता है और एक इनकम होती है, और उसके हिसाब से सारा तय होता है। इनकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो तो धरातल में चले गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से नेगेटिव ग्रोथ सारे सिस्टम में है, आज हमारा बजट पेश हुआ, निफ्टी देख लीजिए कैसे गिरा धड़ाम करके। और आपको और बात बता दूं, जलेबी की तरह बजट पेश करते हैं, सारा गोल गोल घुमाया जाता है, सभी करते हैं जलेबी की तरह। अभी मैं बताता हूं ना, मेरी बात सुने पूरी, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं, सारा कुछ बिक रहा है और पीपीपी मोड बहुत अच्छा है। मैं आपको और बताता हूं, नेगेटिव ग्रोथ में हमारी इंडस्ट्री किस तरह से है। कोल में हम -1.6 पे है, क्रूड ऑयल में हम -5.4 पे, नेचुरल गैस में हम -3.9 पे है, सीमेंट में हम -4.9 पे है, इलेक्ट्रिसिटी में हम -2.9 पे है, और इलेक्ट्रिसिटी में हम, देखिए सुनिए ना, रिफाइनरी में हम 0.5 पे है, और स्टील में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे है, और सारी चीजें बिकने लगी है। जो है वो एक्चुअल पिक्चर पेश करें पूरे देश करेंगे उस पर। और अभी एक छोटी सी एक रिपोर्ट और देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, और इस साल शिक्षा
के क्षेत्र में बजट में क्या कुछ रहा उस पर एक रिपोर्ट देख लो और उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम सेक्टर है और इसको लेकर कहा जाता है कि जितना शिक्षा के लिए बजट पेश होना चाहिए उतना होता नहीं है कभी भी। जल्द लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद और इस पर रिपोर्ट देख ली, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। मोदी 2.0 के पहले आम बजट में शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये राशि बीते वर्ष से करीब 4,500 करोड़ रुपए अधिक है। नई शिक्षा नीति का जल्द होगा ऐलान। डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान। एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाया जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। 2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे। इन संस्थानों में स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने और उसके लिए फंड देने की घोषणा की। उच्च शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, ऑनलाइन कोर्स और इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बहुत सारी चीजें अगर हम बात करें, रिपोर्ट आपने देखी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा का बजट कैसा रहा, इसमें बहुत सारी चीजें कही जाती हैं विशाल पुरी जी कि जितना उम्मीद होती है खासतौर से सेक्टर में शिक्षा के लिए उतना बजट पेश नहीं हुआ। इस बार बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, हम थोड़ा सा उस पर पहले भी बात कर चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए या इसके अलावा हायर एजुकेशन का उस पर ध्यान देने की बात की गई है। आपको नहीं लगता कि हायर एजुकेशन के साथ इसमें जिक्र जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका भी हो और उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? अब जैसे कि इस बजट में आपने देखा होगा कि एफडीआई का प्रावधान आया है, भी एफडीआई भी इसमें होगी और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ऑनलाइन जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं फीस पे कर सकते ऑनलाइन भी वो वहाँ पे अपनी तालीम ले सकते हैं और 150 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन नए बनाने के लिए इन्होंने बोला है 2021 तक जो इस बजट में लिखा है। अच्छा, गरीब बच्चे जो हैं सर ऑनलाइन के बजाय इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वो भी कॉलेजेस में जाकर ले पाए जो किसी कारणवश नहीं जा सकते। मैं वो कह रहा हूँ जो बजट में है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी शिक्षा, जो नहीं दे सकते फीस। और ऐसे ही 99,300 करोड़ रुपए का इन्होंने अनाउंस किया एजुकेशन सेक्टर के लिए और एक इन्होंने नेशनल अपनी पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बोला है इस बजट में और एक नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो फॉरेंसिक एजुकेशन वाला होगा उसके लिए इसमें प्रावधान रखे हुए हैं जो इस बजट में है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक दुगल साहब, एफडीआई का आना शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतर बना पाएगा हमारे सेक्टर को या फिर कितना महंगा हो जाएगा ये जो लोगों की पहुंच से दूर होगा या फिर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए इसका लाना भी बहुत मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि कंट्रोलिंग अथॉरिटीज तो बैठी है ना, जो आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या, प्राइवेट सेक्टर में क्या एजुकेशन नहीं जा रही है क्या, क्या उसमें कोई नहीं जा रहा है? आज की डेट में अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्यों नहीं ऑफिसर्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं? कोई ना कोई रीजन है ना, उसमें कोई रीजन है ना। अब इसका एक कंट्रोलिंग एजेंसी कौन है उसकी? नहीं नहीं, एक मिनट, बीएसएनएल बंद हो गया, एयरटेल ने पैसे बढ़ा दिए, तो कंट्रोलिंग एजेंसी बताइए कौन है? मैं आपको बात जो वो रेट तो वो अपनी मन मर्जी से लगाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें उसमें रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। आप बताइए प्राइवेट अगर रेल चलेगी उसका जो रेट तय हो जाएगा उसको कौन रोकेगा? आप एजुकेशन को आप रेलवे की तरफ लेके जा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की मैं बात बता रहा हूँ, पीपीपी मॉडल की बात बता रहा हूँ। अगर आज की डेट में अगर जो सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं, जो पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? अब ये बताइए सर, कोई रीजन होगा उसमें? मैं जो बात समझना चाहूंगा, मैं इसके ऊपर एक क्रक्स देना चाहूंगा, क्या एफडीआई के आने से क्या सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी?
सर मैं बताता हूँ, एक चीज प्रोफेशनली जब मैनेज होती है तो उससे कहीं ना कहीं बंद कर दिए इन लोगों ने। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं कि अब एफडीआई में जाहिर सी बात है फिर बाहर से भी कंपनीज इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो क्या हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं क्या वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्या फिर आपको नहीं लगता कि उनको नुकसान होगा यहाँ पर? देखिए हमेशा कोई या फिर उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर वो भी बेहतर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई प्रतिस्पर्धा बाहर से आती है या अपने बीच में से भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो जो जो लोग अपनी सर्विसेज दूसरा आदमी उसको मार्केट में टिकने के लिए अपने आप को इम्प्रूव ही करता है, ये मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करते हैं। अगर गवर्नमेंट फोर्स बनाए तो उसके पैरेलल में प्राइवेट भी बनाओ तो देखिए प्रतिस्पर्धा कहां जाएगी बताइए। एक गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है उसके पैरेलल में प्राइवेट स्कूल भी तो बना हुआ है। वही कह रहा ना, मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती है कि कौन चल रहा है और प्राइवेट अच्छे चल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल कौन सर्वाइव करेगा और कौन सा कौन किसने बंद हो जाना है। जब सरकारी बंद हो जाएंगे तो उनका मापदंड जो है चेक बैलेंस ठीक है जी। कभी भी कोई भी अगर कोई आएगा पीपीपी मॉडल से कोई अगर एंट्री होगी तो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल भी बंद नहीं होगा क्योंकि हर हर किसी समझ रहे इस बात हर किसी का कोई सेगमेंट है। सीए हैं आप अपनी काम के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, चेक बैलेंस खत्म हो जाएगा। मैं आपको देखिए हर किसी का एक सेगमेंट होता है हर पॉलिटिकल सिस्टम में हमें मालूम है। जब जब सरकारी स्कूल बंद होगा तो प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी फीस लेगा, चेक बैलेंस खत्म होगा। मैं यही पॉलिटिकल पर्सन की दिक्कत है कि वो ये बात मानना नहीं चाहते। बजट में कहां कहा गया कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? जेट एयरवेज है 8,000 करोड़ के नुकसान में इसलिए बंद हो रही है। एयर इंडिया 5,434 करोड़ के नुकसान में है, नौकरियां खत्म हो रही हैं तब बंद हो रही है। ये जेट एयरवेज में गवर्नमेंट स्कूल तो है, गवर्नमेंट वो 1,000 करोड़ के बीच में तब बंद हो रही है। तो अगर अच्छा धीरा जी एक मिनट, इसको ऊपर करने के लिए सरकार ने कब कदम उठाया? वो सरकार ये कह रही है इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। सरकार जो है सरकार का जो 1,00,000 करोड़ का बजट है उसके अंदर एलोकेशन से वो सारी चीजें आप प्रतिस्पर्धा लाएं देश के अंदर। आप ये कहें हम और नौकरी पैदा करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और पैदा करेंगे, 5 साल के 6 साल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, जो ऑलरेडी बनी है वो बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कहां से आपका देश डूब रहा है? आप लोग अच्छी अच्छी बात गुप्ता मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे गुप्ता जी थोड़ी सी ये तो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल अगर बात है पॉलिटिकल में अच्छी बात समझ नहीं आती। समझना चाहिए कि देश कैसे डूब रहा है। आप गवर्नमेंट विरोध आप गवर्नमेंट विरोध की वजह से इसमें कोई आंकड़ा ही नहीं है। एक मिनिस्टर ने मैं नाम नहीं लूंगा बीजेपी के मंत्री ने ये कहा मैं तो इंडियन एयरलाइन तो मैं खुद खरीद लूंगा क्योंकि मंत्रालय ने उसलिए नहीं खरीदा। ठीक है सर, क्योंकि वो अगर यही काम होगा इसका मतलब वो लॉस में है या प्रॉफिट में आप चेक करिए। नवनीत गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, हाँ आप कुछ कह रहे थे। ढींगरा जी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और सर आपको लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। तो मैं कभी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर इस फोरम पे नहीं दे सकता नासिर जी, ना देना चाहूंगा। हाँ ये बात जरूर है जो जो अगर इन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना हम देने आए, हम यहाँ पे आए हैं बजट को एनालाइज करने कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी समाज पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट किस किस सेगमेंट पे क्या क्या पड़ा। अभी नासिर जी ने एक बात कही एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के बारे में जो मेरे को नॉलेज है मैं अभी उनसे शेयर करता हूँ ढिंगरा जी से और मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के पहले भी थे आज भी हैं, बहुत नामी ग्रामी मेडिकल कॉलेज हैं जो टॉप वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में गिने जाते हैं। आईआईटी आज भी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन में गिने जाते हैं जो सरकार चला रही है। सरकार के बने हुए सरकार चला रही है। मेरी आगे बात तो सुनिए ठीक है, वो पहले की पुरानी सरकार कंटिन्यू कर रही है, उसको चला रही है। मैं ये सुनना चाह रहा हूं कांग्रेस के टाइम पर बने, हां मैं कांग्रेस के टाइम में बने और कांग्रेस ही चला रही है सब इनके हिसाब से। कोई नहीं जी बताइए, आप ये देखिए एक सरकार ने डिसीजन लिया मैनेजमेंट के हमारे ऑलरेडी आईएम्स चल रहे हैं उसको अपग्रेड किया, दूसरे मैनेजमेंट को अपग्रेड करके लेके आईएम में, साथ में एक सरकार ने डिसीजन लिया जो कि अच्छा था टोटल मैनेजमेंट को आईएएस भी लेके आए प्राइवेट हाथों में दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की विद इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रिएट किया है, एक पहला सेटअप किया है हैदराबाद में, बहुत सक्सेसफुल रहा। दूसरा सेटअप किया मोहाली के अंदर, हमारे बिल्कुल बगल में ही है, ट्राई सिटी के, बहुत अच्छा उमदा आईएसबी अभी मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, अभी मैं हेल्थ केयर की, आप ये देखिए हेल्थ केयर के अंदर गवर्नमेंट के मेडिकल में दूसरे भी कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि प्राइवेट, टोटली प्राइवेट सेक्टर में आए। अगर एजुकेशन में एफडीआई आती है तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी आएगी, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और सर एजुकेशन का लेवल क्या वो नहीं खुलने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार के हैं उसमें कितना और ज्यादा लेके आए वो बताना चाहिए ब्रेक ले लो भाई, सब एक ब्रेक ले लेते हैं फिर आते हैं चर्चा शुरू करते हैं।